अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी भाई, दाबी जी पहुंच चुके हैं। सुबह 6 बजे हम लोग निकले हैं घरों से और तकरीबन 7 बज रहे हैं। 7 बज रहे अभी दाबी जी पे मौजूद है। यहाँ से अभी बर्फ उठाया जा रहा है और राशन वगैरह उठाएंगे। घरों से पहले अलमानिया के रास्ते में आगे जाएंगे। घरों से पहले अलमानिया टर्न करेंगे। अलमानिया वाला रास्ता ही है, रास्ता वही कह रहा आगे जो आता है। चलो ठीक है जी भाई, वफ़े वफ़े से आप लोगों को गाइड करते हैं और जो नए साथी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को रास्ते वगैरह मालूम हो सके और बहुत सारा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारे वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, खाली शिकार नहीं मिलता है। शिकार के साथ सीखने सिखाने का अमल बहुत होता है। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये दो आइस बॉक्स है, माशाल्लाह बर्फ से कचा कच भर दिया है। चलो एक ऊपर ऊपर उठा के उठा, बस थोड़ा इधर करें। ठीक है जी, तकरीबन ये हमारी पुरानी टीम है जो पिछले अभी गुज़िश्ता दिनों पहले आप लोगों ने लाड़ी वाली रिपोर्ट देखी थी। हाँ लाड़ी वाली रिपोर्ट मैंने बता दी है भाई, हम जो बात हक सच करते हैं। गुज़िश्ता दिनों पहले जो रिपोर्ट थी हमारी वो लाड़ी वाली थी। देखो सब तमाम साथी उसमें आज दे रहे हैं, तमाम साथी भाई। एक गुजारिश ये है कि रेडी गोट से ना जाए वहाँ फराड़ी। नहीं नहीं, जाए जाए, फराड़ी सामने आ चुके हैं, उनसे बचे, उनसे बचे भाई। सबकी रोजी है वहाँ पर, अच्छे नाकवा, बहुत अच्छे नाकवा वहाँ पर मौजूद है। काशिप भाई, काशिप भाई सालन आपने आलू आलू प्याज टोकरी येरी। नहीं नहीं, तो ये हमारी फारी है, ये हमारी फारी हो रही है। नहीं, ये फारी हो रही है। नहीं, कोई फारी नहीं हो रही है। वैसे शिकार का पहले नाम फारी है, पहले फार होंगे फिर शिकार, फिर शिकार होंगे। फार एंड शिकार, फार एंड शिकार। अच्छा जी भाई, ये पहुंच चुके हैं तो ये तकरीबन थोड़े से फासले पे अलमानिया की कंदी है और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा कम्बा है और पंखा है। ठीक है जी, तो हमारी किश्ती वो दूर दराज खड़ी है, सामान उतारा जा रहा है। तो मुख्तसर सा रिपोर्ट देता हूँ क्योंकि हमने सामान भी लेके जाना है, मिल बांध के काम करते हैं। और ये जो है ये हमारा पॉइंट है आज का नया। ठीक है जी, मेरे लिए नया है और बहुत सारे काफी साथियों के लिए भी नया होगा जो नहीं आ चुके होंगे, और जो आ चुके होंगे उनको पता होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा रोड, बिल्कुल साफ सुथरा एक ही रोड है माशाल्लाह, सीधा, कोई जो है खड्डे शड्डे नहीं है, आपको सीधा आना होगा। ऐसे ही है भैया, ऐसे ही है। जबरदस्त भाई, ये भी बता दें कि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता, हर कोई नहीं, अंदर एंट्री नहीं है, एंट्री यार किसी की हो ही नहीं सकती। बकायदा लाइसेंस भी जमा होता है गाड़ी का, ओरिजिनल एनआईसीयां वगैरह सब के जमे होते हैं। बहुत ही सीक्रेट जगह है तो इस वजह से, ये तो कुछ ताल्लुकात और दुआ सलाम के उसके वजह से हम लोग आसानी से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और बहुत सारे साथी जो भी यहाँ पर आने वाले हैं तो वो भी तकरीबन ऐसे ही आते हैं। ठीक है जी, तो माशाल्लाह इतना करीब से मैंने ये पंखा कभी भी मैंने नहीं देखा था, तो आज इस पंखे के नीचे मैं खड़ा हूँ जो बिजली बनाती है माशाल्लाह हम लोगों के लिए। अच्छा जी भाई, ये हमारी आज की किश्ती है, गुंडा है पता नहीं, जो बहरहाल बेहतरीन है, पतला है लेकिन शिकारी किश्ती है मेरे भाई। अच्छा यार, इसको किश्ती बोल रहे, डुंडा बोल रहा है इसको, कश्ती है। अच्छा ये डुंडा टाइप की किश्ती है, फाइबर की किश्ती है। ठीक है जी, और काफी लंबी है माशाल्लाह।
तो सामान भी है हम लोगों के साथ और लड़के भी नाकुआ समेत हम लोग टोटल सात बंदे हैं। ठीक है जी, तो टोटल सात बंदे हैं। ये हमारा नाकुआ है, इसे भी मिलवाएंगे इंशाल्लाह। और ये भी नाले में पानी आ रहा है, तो अभी चढ़ाव शुरू हो चुका है, तो गुल्ले भी पकड़ेंगे। गुल्ले पकड़ने के बाद सामने हमारा पानी है, फिर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और मजीद आप लोगों को मैं गाइड करता हुआ जाऊंगा, क्योंकि आप लोग जो है बड़ी तेजी के साथ माशाल्लाह आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। आप लोग यकीन करो बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह। इसी तरीके से आपको मैं बेहतरीन शिकार भी दिखाऊंगा और पॉइंट भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो आने जाने में और पॉइंटों को समझने में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये हमारा मकबूल भाई, हमारा नाकुआ है किश्ती का। आज का हमारा नाकुआ मकबूल भाई है। मकबूल भाई, सबसे पहले हमें कहाँ लेके जाएंगे? कड्डे पे जाएंगे। कड्डे में क्या करेंगे? खुदा को मानो, कड्डे में हमें नहीं लेके जाओ। किधर लेके जाएंगे? कड्डे में लेके जाओगे? चलो कड्डे में जाते हैं आपके साथ। शिकार करवाओगे? शिकार तो करवाऊंगा, इसीलिए तो लेकर जा रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, ये किश्ती हमारी काशिप भाई की है। तो काशिप भाई का ये अपना नाकुआ है, तो अच्छा प्रोग्राम होगा, क्योंकि नाकुआ जो है घर का नाकुआ है। ऐसे ही है ना काशिप भाई? घर का बंदा है हमारा, तो यहाँ पर आसान नहीं है थोड़ा सा ये मसला है, क्योंकि जाहिर है जब तक घर का बंदा नहीं होगा तो यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। और रास्ते भी है, बहुत सारे रास्ते दिखा दूंगा आप लोगों को, टेंशन ना ले। तुम्हारी पेंट को अभी एक बंदा, दो बंदे जाएंगे गुल्ले पकड़ने, और बाकी दोस्त जो है कुछ नाश्ते की बंदोबस्त कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह, क्योंकि सुबह 6 बजे हम लोग घर से निकले थे और अभी 8 बज रहे, तो 8 भी नहीं 8:30 बज रहे, तो 2.5 घंटे में हम लोग यहाँ पर मनीर 8 से लेके और यहाँ पर हम लोग 2.5 घंटे में पहुंचे हैं माशाल्लाह। ये पानी का चढ़ाव लग चुका है, तो पानी चढ़ेगा और फिर हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। ये सारा सामान चढ़ चुका है, तो एक ले भाई काफी सामान है। ये जाल खोला जा रहा है और काफी गुल्ले एक जाल में आ चुके हैं, वापिस कीचड़ में घुस रहे हैं। ये सारे उछल रहे भाई, ये देखो भाग रहे। खड़ा हूँ, देख रहा हूँ, देखो नहीं। ये हमारा पापा से, और ये इटली वाले बहुत सारे अभी भी भाग रहे, वो बैठा हुआ है, ये रहे। नहीं चलूंगा। नहीं चलूंगा। और भी है, ये बहुत सारे चारा आ चुका है माशाल्लाह। दिखाने का मकसद ये होता है कि हम जब भी शिकार करने से पहले चारे की तैयारी करते हैं, और जो चारा मार्केट से खरीदे जाते हैं तो खरीदे हुए चारे पे वो गेम नहीं होता, जो गेम आपका फ्रेश चारा जब तक आप पकड़ ना ले। तो फ्रेश चारे के तरीके भी बता दिया गया जाल के जरिए पहले से, जब चढ़ाव का टाइम होता है तो बहुत सारा चारा होता है उस टाइम पे, हम सही टाइम पे आए हुए हैं, तो इस वजह से हमें आते ही चारा भी मिल गया और अभी निकलने की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। कुछ दोस्त साथी खाने नाश्ते की बंदोबस्त भी कर रहे थे, तो अभी ये टिक्की लगाने की मेरे ख्याल से इसी तरीके से शायद ये निकाली जाएगी। सामान का भी लोड ज्यादा है और पानी काफी दूर है। ये तो घुमा दी भाई इन लोगों ने, क्या इसी तरह लेके जाएंगे? वाह जी वाह, ये भाई ने सीने भाई, मैंने खुद नहीं देखा,
नहीं ऐसी नहीं, आप लोग भी आ जाओ काफी से आपको शोर। ये काफी लंबी किश्ती है माशाल्लाह। ये नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। ये गया भाई, ये तो पानी की तरह जा रहा है। वाजी वाजी, इसको तो कीचड़ में चला भाई, उतर गया भाई, उतर गया पानी में। ये देखो तीन बंदों ने उतार दिया भाई किश्ती को। जबरदस्त, आ जाओ भाई। वाह काशिप भाई, आज तो आपने नए नए ट्रिक्स दिखा दिया हमको। नया ट्रेंड है भाई, जो भी होगा आज के लोग में बहुत कुछ सीखेगा। काफी है, बहुत है, काफी गुल्ले आ चुके हैं काशिप भाई। 50 के लगभग लग रहे मुझे ये। तो ये आज की हमारी ख्वारी किनारे की थी, जो दिखा चुका हूँ। मजीद डिटेल आगे दिले। بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله۔ ٹھیک ہے جی بھائی، ہمارا لانچ نکل چکا ہے۔ اس میں لگانے پڑیں گے، چھوٹی سی لانچ ہے، پتلی سی، تو دو دو کر کے ساتھ ہی اسی طریقے سے بیٹھیں گے۔ یہ ہے اس جگہ سیزن ہے جیلی فش کا۔ जी अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं दोबारा, और दिन को चारा मारा जा रहा है। ठीक है जी, तो माशाल्लाह बार बार उतर रहे, कहते यहाँ पर झींगा ज्यादा है। वो बर्फ में रखी है। देखिए आओ भाई, ये बुई के लिए एक डेली है। और अच्छा अच्छा खासा हम लोग झींगा मार भी चुके हैं, और दोबारा ये झींगे के लिए जा चुका है। तो रात को अलग झींगा मार के देगा, दिन को अलग मार के दे रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, ये कहला चुका है भाई। जब भी ऐसे प्रोग्राम में आए तो भाई, एक ये छतरी तो खैर थोड़ी सी बड़ी है, आप एक छोटी आदत की छतरी यार वो कोई भी पैदा कर लो, जो सर पे छतरी लगाई जाती है ना, बेहतरीन है मैंग्रोव्स के लिए। तो छतरी का होना अब ये देखो बहुत सख्त धूप है, कम से कम दर्जे में। हाँ, या तो बड़ा कैप हो, लेकिन फिर भी छतरी बेहतरीन है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो बड़ा जो है ना लश्कारे मार रहा हूँ इस टाइम पे, धूप से बचा हुआ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। गुल्ले पकड़ने के लिए जाए भाई एक बंदा। तो ठीक है जी, ये केली की रिपोर्ट दी और छतरी की रिपोर्ट दी। अच्छा जी, काफी मेहनत करके लेके आए, दिन दिहाड़े भाई झींगा मारे, उठाए जरा कितना झींगा चुका है माशाल्लाह, बेहतरीन जबरदस्त माशाल्लाह चुकी है। तीनों हमारे चारे आ चुके हैं इस टाइम पे, अब यहाँ से निकल रहे। पानी चढ़ाऊ का टाइम, शिकार का भी टाइम है, और बेहतरीन नागवा है माशाल्लाह, जबरदस्त। और नागवा के साथ जो चेले चेले, अरे मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किस काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किस बात हमें नहीं खाओ, बैठ जाओ। अच्छा जी भाई, पॉइंट पे रुक चुके हैं, दाना भी लग चुका है। ये माशाल्लाह रोड पे चल रहा, बकरा आ गया भाई, बकरा, ये मेरा बकरा आ गया भाई। हाँ, असल में वो झाड़ियों में जो है कंदी की तरफ चाल बेहतरीन है। हाँ, और पानी थोड़ा सा तेज है, बहुत तेज थोड़ा। हाँ, पानी तेज होने की वजह से
थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बहरहाल हम अभी खाना खाएंगे। उठाओ ना थोड़ा सा। उठाओ। ये आ गया भाई हीरा, जबरदस्त काशिप भाई को हीरा लग चुका है मेरे भाई। तो खाना खाया जा रहा है, खाने खाने के दौरान ये हीरा आ चुका है फिलहाल। बुला दे दे। ये फॉरेस्ट ट्रैक, ट्रेन जबरदस्त। ये आ गए कुकड़ी, जबरदस्त बेहतरीन। और अभी हम कहाँ पर आ गए खड़े हो भाई? कहाँ खड़े हो भाई? जगह पर कोई जगह बता दो भाई। कहाँ खड़े? नाड़ी वाली पे, नाड़े वाली पे, नाड़े वाली पे, आज ही कच्चे के डोरे पे। ये एक और आ गया छोटा, फॉल है भाई, फॉल है। ठीक है जी, तो ये आ गए कुकड़ी, जबरदस्त। ये चलो गोली लग रही है। ये हमारा नागवा लेके आ रहे हैं, क्या लेके आते हैं? काफी दूर है क्योंकि इस किश्ती में हम लोग ज्यादा। ये आ गया कुकड़ी, चाया चाया, जबरदस्त। ये एक और बकरा आ गया भाई, जबरदस्त बेहतरीन। चाल जबरदस्त जा रही है। मुझे काम बताओ मैं क्या करूं? मैं मछली निकालूं। जबरदस्त पिस्को डांस शुरू। ये एक एक, एक और दाओ। ये आ गया हीरा, बेहतरीन जबरदस्त। उद्दम वाली चाल है मेरे भाई, हीरे और बकरे सब कुछ दस्तयाब है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज की रिपोर्ट माशाल्लाह अच्छी बनेगी उम्मीद है, जिस तरह स्ट्राइक का होना शुरू हो चुकी है। अच्छा, जहां पर भी कड़े होते हैं वहां पर चार भरपूर होते, लेकिन वहां पर पानी थोड़ा सा तेज था, तो हम लोग थोड़े से कंधे के करीब आ चुके हैं जालियों के पास। और उस तरफ भी चार, उस तरफ जो है जालियों की तरफ कपरतान वगैरह बकरे वगैरह है और छोटे नहरे, और इस साइड पर हीरे। अब बस खाली मसला ये है ताकि थोड़ा सा हीरा बड़ा हो जाए। बेहतरीन है, जबरदस्त। देखो तुम गुल्ले पकड़े दो हीरे में, जबरदस्त। गर्मी ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा माल फ्रीज कर रहे हैं हम लोग ताकि मछली खराब ना हो जाए। अब ये एक लंगर हमने गाड़ी में लगा दी, और दूसरा लंगर पानी के अंदर है। मैं कर रहा होता हूं। मैं करता हूं। दब जाती है और कोई कुछ नहीं दब रहा। माशाल्लाह, अंदर करो चाया, बेहतरीन चाया। चाया आ गया भाई, चाया है, चाया चाया चाया, और चाय भी पक रही है भाई। चाय भी पक रही, चाय भी आ गई, चाया भी आ रहा है। डालो कि चाय पक रही है, जबरदस्त। वो निकाल लो ना उसको। हाँ निकालो, ये देखिए, देखिए देखिए ए हो गया। क्या हो गया? ये देखिए रोशन ख्याल, ये रोशन ख्याल है। एक और ही आ चुका है। ओके, निकल गया, खाली डोर लेके आ रहे, इतना जोर लगा रहे, और पीछे होते है ट्रता ट्रता, होता कुछ भी नहीं है। ये एक और ही आ गया भाई, तीन मिस हो गई आपसे, तीन मिस हुई है। जबरदस्त स्ट्राइक है, अच्छी स्ट्राइक मिस हो रही है और छोटी स्ट्राइक आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये देख सकते हैं आप खूबसूरत नजारे। एक और आ गया, एक खड्डा निकाला, एक खड्डा निकाल दिया मैंने बैक टू बैक। थोड़ा सा दिखाए ना, इसका मुंह आ रहा है। ये सही है, बेहतरीन है, जबरदस्त। तो मैं कह रहा था ये बेहतरीन नजारे है माशाल्लाह, यहाँ की एनवायरमेंट, क्या बोलते हैं एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एनवायरमेंट। भाई मैं सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ।
ठीक है जी। तो यहाँ का जो माहौल होता है ना, खामोशी, सन्नाटा, आप सब कुछ भूल जाएंगे मैंग्रोव्स की जो खामोशी होती है। तो ये ट्रॉलिंग पे क्या लेके आ रहे हैं, ट्रॉलिंग पे नहीं, रोड पे क्या लेके आ रहे है कुछ? फिर फिर ट्रटा ट्रटा है, ट्रटा ट्रटा है, क्या है? चलो दिखाते हैं, देखते हैं। ये बैक टू बैक तीन चाले फिलहाल यहाँ पर मेरे, ये बोरा माशाल्लाह तबारकअल्लाह। क्या लेके आ रहे भाई? आजी हीरो गुल्ले पे आ रहे। ओके जी, रिपोर्ट है, ठीक है जी, जबरदस्त। साइज का बोरा है ये, चेक करे भाई, कग्गा देखे कितना मस्ती कर रहा है, ठीक है जी। ये चप नहीं, इतना बड़ा नहीं है, ये खोल है जरा, चल्ला चल्ला खोल दीजिए, खाली चलो खोलो, मैं इसमें डाल दूं, डोर ना जाए नहीं जाए, पानी कम हो जाए, चाहे उतार हो जाए पचाड़ा हो, मेरी फाइल पानी पैरों के अंदर जाने ज्यादा फिर मुझे कम। अच्छा, इसके दांत का जो है ये कांटे वगैरह ये काटना बड़ी जरूरी है, और जिसको लगेंगे उसका बजेगा बाजा भाई। कग्गे ही आएंगे, मैंने कग्गा और दूसरा कौन सा मछली था? ओए ये कग्गा नहीं है, ओए 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 ये क्या है? आराम से आराम, ओहो ओहो, बड़ा हीरा है, बड़ा हीरा है, हीरा हीरा हीरा, माशाल्लाह मुबारक हो भाई, मुबारक हो भाई। देखो मैं बोल रहा था कग्गा है, मैंने असल भाई ने बोला हीरा मेरा है, जबरदस्त वाह फजल भाई। अच्छा जी, वीआईपी अभी तक की महफिल लूट लिया। बहरहाल साइज बड़ा हो गया मेरे हाथों का, ठीक है जी, एक वाली से बड़ा ही है, डेढ़ वाली से बड़ा है, ठीक है जी भाई। इसका सही मुआयना करते हैं, ये कहाँ से आया है जी? झींगे पे, मरे हुए झींगे पे, हाँ मरे हुए। हाँ तिब भाई, गर्मी का दुश्मन वाटरमेलन, ये वाह जी वाह। भाई मैंग्रोव में दो चीज है, एक ठंडा एक गरम, मतलब ठंडा पानी हो या फ्रूट हो और गरम मछली फ्राई, वाह ये दो चीजें चलती हैं यहाँ, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है। हाँ क्या लगा है हीरा? वाह जी वाह बेहतरीन, चपड़ा भी खोल दिया, चपड़ा खोल दिया, हीरा शुरू हो गया, शाम हो गई, शाम शाम गिर गए हम, नहीं अभी शाम तो बहुत दूर है फिलहाल, कैल जा रही है। लगता है अच्छा दाना है, दाने पे दाना है, तो सही है सही है, जबरदस्त। ये यहाँ से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं कोई नहीं भाग रहा, कोई नहीं भागेगा, बेहतरीन चालम चाली है यहाँ पर, बेहतरीन माशाल्लाह। अभी देखे हीरा आएगा, अबे गया है, गया क्या था, हुक सही नहीं होगा उसका, सही था भूई पे आया था, मुंह से बाहर आ गई, बस मुंह से बाहर हो गई है, पूरा पट्टा उड़ चुका था, पानी के अंदर था, अब पानी से बाहर कर दिया पट्टा, लेकिन चला गया। क्या होएगा तेरे अंदाजे में? काशिप भाई क्या हो रही है? ये हो रहा है खाने का इंतजाम, खाने के इंतजाम अभी खाएंगे इसको, ठीक है, इसको बनाया जा रहा है, टोके भी हाजिर है, खंजर भी हाजिर है, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, चलो गया रहे भाई, दबा के आ रहे हैं। असल में पुगे की हम इतनी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, अच्छा फ्रीजर में चले गए, पुगिया वापस गई हुई माल छपरे में, पुगिया और छपर, हाँ दोतर भरपूर आ रहे भाई, दाना चेक करे भाई, ये उठना पड़ेगा भाई इसके लिए, लगता है आज माला माल हो जाएगा इस दाने से, हीरा हीरा आज शाबाश है, बेहतरीन चालम चाली,
खाने की मछली भी और फ्रीज होने के लिए भी और लगातार मछली आ रही है भाई। यार ये बात सही नहीं है आप लोगों की, और ध्यान करो बस, और अपने अल्फाजा दुरुस्त कर ले। कगा कगा सही है सही है, इसका मुझे पता है। हाँ ले आओ ले आओ, खैर है इसको पहचानता हूँ। अच्छा जी भाई, हमारी अभी रवानगी हो चुकी है टुब्बे की तरफ। ठीक है जी, कम से कम 1.5 घंटा रास्ता है, तो अभी जाएंगे टुब्बे की तरफ, तो वहां पर जो रिपोर्ट होती है तो इंशाल्लाह वहां जाते हैं। अभी रोशनाई में इसलिए जा रहे हैं, और उसके बाद जो है जो पत्थर वगैरह है रास्ते में तो टुब्बे की तरफ, तो जाहिर है उसको भी उजाले उजाले में वहां पर पहुंचना है। किश्ती भी बहुत छोटी है, ऐसा ना हो कि किसी के साथ पत्थर के साथ टकर ना जाए, अल्लाह ना करे। तो साथी ने मशवरा किया रात से बेहतर ये है कि अभी दिन ही दिन में चला जाए, तो बहरहाल अभी हम जा रहे हैं कुब्बे की तरफ। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अभी दोबारा मिलेंगे कुब्बे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई कुब्बे में, हाँ चलेगा, कुब्बे में पहुंच चुके हैं, नंगर हो चुका है, तो मजीद डिटेल तफसील से थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने नावका भाई से। जी बताएं भाई, कुब्बे के हवाले से थोड़ी सी रिपोर्ट बना के। भाई रिपोर्ट आई है हीरे की। ठीक है, राजा दायल किले पे हैं, कुब्बे पे खड़े हैं पतराटी। कुब्बे का मतलब क्या है? कुब्बे का मतलब ये बोलते हैं तो राजा दायल किले की यहाँ पे पहले मस्जिद थी। मस्जिद? हाँ, किला मतलब ये जो किला बाकियात भी नजर आ रहे हैं कुछ। किला ये है, किला ये साइड पे है, राजा दायर का किला जो है उसमें कोई वो बने हुए हैं। चलो सुबह इंशाल्लाह वो मजीद दिखाएंगे। अच्छा इसका क्या मतलब, ये कुब्बा? कुब्बा ये मस्जिद बोल रहे थे, पहले के जमाने की मस्जिद थी। अच्छा, तो पानी के अंदर आ गए, बीच में रह गए। इधर जी हाँ अभी खड़े हैं जिसपे ये हुआ मस्जिद का नाम था इधर। जी हाँ। अच्छा, फिर उसको कुब्बा कुब्बा बोल के कुब्बा कुब्बा नाम इसका रख दिया। कुब्बा नाम कुब्बा रख दिया। अगर ये पानी उतरेगा कुछ ना कुछ नजर आएगा? साफ साफ बिल्कुल आ जाएगी, कल सुबह दिखेगी पत्थर वगैरह, बिल्कुल जाहिर दिखेगा कल सुबह। अच्छा हाँ, चलो फिर यार सुबह तक हम लोग ठहरते हैं और आप भी हमारे साथ ठहरे इंशाल्लाह। मुझे खुद देखने के लिए पहली बार देखने को मिलेगा, और आप नाजरीन आप भी देखें, तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि रात को वैसे इतने खास शिकार होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी रिपोर्ट है थोड़ी बहुत। हीरे की रिपोर्ट आई है, हीरे की रिपोर्ट आई है, तो ठीक है इंशाल्लाह सुबह आप भी हमारे साथ रहें। ये आ गया भाई हीरा, बेहतरीन जबरदस्त, पहला बोली हीरा बोली, और ये तेल गरम हो रहा है भाई। अरे बस आएगा इस पे, आएगा गुल्ले पे, आएंगे यहाँ पे 2-3 फुट तो पानी है। नहीं है, सही है, जबरदस्त जबरदस्त। ओके जी रिपोर्ट है, पेड़ा है पेड़ा पहले हीरा, आपकी रिपोर्ट सही है भैया, हीरे की रिपोर्ट है। भैया ना मैंने क्या बोला, हीरा ही लगेगा, हीरे लगेगा, तो वहाँ भी लगा हम लोगों को, पकाया नहीं हम लोगों ने, हीरे चल रहे मतलब। लेकिन उस जगह का, इस जगह का मैंने यही बोला था, हीरे लगेंगे रात को, हीरे ही लगेंगे रात को, गेम नहीं होता है। हाँ। अब ये बहुत बड़ी बात है, रात को हीरा लग गया। क्या होता है अभी, क्या होता है गेम? चलो शुक्र, इस जगह पे थोड़ा बहुत गेम हो जाता है, बाकी जगहों पे तो बिल्कुल ही नहीं होता। सच्ची बात जो है, यहाँ गोली गोली का आसरा, हीरे का आसरा होता है रात को। ये दिखा दे भाई मिसाला कैसे लगेगा, ये नहीं दिखाओ यार, ये दिखाओ, बाकी सब हलाल है, कोई इसमें वो नहीं जो नहीं दिखाओ। बेहतरीन है ये, किसी किसी को खाने को मिलता है। ये बिस्मिल्लाह, ये ले, ये हो गया काम। तबारक अल्लाह,
और डालो इस सेट पे डाल दो डाल दो अभी नहीं लाओ अभी नहीं लाओ आगे जा तेल इतना गर्म है ये तेल बहुत है डालो जगह बहुत है जी ये काशिफ भाई का कमाल देखे माशाल्लाह आपको दिखाते हैं काशिफ भाई ने क्या कर दिया है अनजाने में ये देखे मैं वाह अरे वाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह काशिफ भाई माशाल्लाह बेहतरीन आप क्या बोल के देख के तो पहले जमाने में कुक थे नहीं कोशिश कर लेंगे थोड़ी यकीन करें ये घर पे भी कोई ऐसा नहीं बना सकेगा जो छोटा सा किश्ती है उसके अंदर किस किस्म का आइटम बना के दिखाया काशिफ भाई ने माशाल्लाह चेक करे भाई खाली हम आपको चेक कराते हैं अभी ये सात साथी है हम लोग सबको इसी तरीके से हिसाब से डाल दिया जाएगा अब लाइन लगाते रहे ना मैं दूसरा काम करता हूँ दूसरा काम करोगे जी हाँ नहीं करो यार मैं पानी निकालूंगा इधर से पानी यार ये पानी वाला काम कर लो क्योंकि फिर आ गई ठीक है ये सर के साथ चेक करें भाई सब साथियों को एक एक प्लेट पूरा भर भर के दिया गया है मछली का सब साथी बिस्मिल्लाह करें तो ये देखे बेहतरीन किस्म की मछली पहले फ्राई की है फिर उसके बाद जो है ना इसको सालन का तड़का लगाया माशाल्लाह बिस्मिल्लाह वाला बरकत